हाय फ्रेंड्स, मुँ तपन आपण मानक स्वागत करुच्छे ओडिशा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को। तो आज आम डिस्कसन करवा 2 फेब्रुआरी 2019 जो आरपीएफ कनेस्टेबल एग्जाम होता, तो से एग्जाम जो जीके क्वेश्चन आसी तो से क्वेश्चन गुड़िक आज वीडियो डिस्कसन करवा। तो ये क्वेश्चन गुड़िक देखने आपण मैंने जापरेंगे कि पूर्व वर्ष कौन टाइप क्वेश्चन आसी और आपण मैंने से टाइप क्वेश्चन प्राक्टिस करें। तो आपण मन कर बहुत डिमांड थिला कि सर आरपीएफ कनेस्टेबल पई क्लास स्टार्ट करंतु, सति पई आपण मन को पई वीडियो टी नै आसीछि। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्वरु जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनांति एबे सब्सक्राइब करनियंतु आ पाखरे थिबे बेल आइकन रे प्रेस करिकि ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक कर दियंतु, जहा द्वारा कि आगो को एमिति वीडियो सब बेले देखि परिबे। तो लेट करिबे नै, चलंतु क्लास स्टार्ट करिबा। आजर प्रथम क्वेश्चन रे कोन रहीछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। तो क्वेश्चन कौन पचारी ना हार्ट पाखरु बॉडी रो वेरियस पार्ट को ब्लड किए नहीं कि जाई थाए। ठीक अच्छे, तो राइट आंसर टी कौन हो, आर्टेरीज हम। तो मन रखु आर्टेरीज कौन करी थाए ना हार्ट पाखरु आम बॉडी रो वेरियस पार्ट को ब्लड बा रक्त नहीं कि जाई थाए। ठीक अच्छे, आ वेन कौन करी थाए ना ब्लड को वेरियस पार्ट रु हार्ट पाख को नहीं जाई थाए। ओके, हार्ट पाखरु बॉडी रो वेरियस पार्ट को ब्लड नहीं जाई थाए आर्टेरीज, किंतु बॉडी रो वेरियस पार्ट रु हार्ट पाख को ब्लड किए नहीं कि जाई थाए ना वेन। ओके, तापर 2 नंबर कौन रही छि, लोधा वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन डैश स्टेट। तो लोधा वाटरफॉल कौन स्टेट रे अवस्थित पचारी छि। तो क्वेश्चन रो लेवल देखंतु, 2 नंबर आंसर हो झारखंड। ठीक अच्छे, लोधा वाटरफॉल रही झारखंड रे। तापर 3 नंबर कौन रही, ड्राफ्टिंग कमिटी वाज एस्टाब्लिश्ड इन द डैश ईयर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन कौन पचारी ना केते मसरे ड्राफ्टिंग कमिटी एस्टाब्लिश होता प्रतिष्ठा होता। राइट आंसर टी जो 1947। तो तार एग्जाक्ट डेट हूँ 29 अगस्त। ठीक अच्छे, तो ड्राफ्टिंग कमिटी रे फॉर्मेशन हेथिला 29 अगस्त 1947 रे। ओके, तापर होईची द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड द गैलेक्सी इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन ला कोन पचारीची ना गैलेक्सी भितरे डस्ट एवं गैस जो रही थाए ता कोन कुआ जाय, गैलेक्सी भितरे जो मेघर डस्ट एवं गैस रही थाए ता कोन कुआ जाय। 4 नंबर आंसर कोन हेजिवो, ताकू नेबुला कहा जाए, ऑप्शन नंबर सी एटी राइट आंसर रहइबो। ठीक अच्छे, डस्ट माने कौन, धूली। ओके, तापर 5 नंबर कौन रही, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग डैश ईयर। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन 5 ईयर प्लान रे स्टार्ट होता पचारी। ओके, 5 नंबर आंसर कौन हो, 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान रो टाइम पीरियड केते, 1974 रु 1978। ओके, तो देखंतु आपण मानक मध्यरो जो मानकर मैथ हो नाई बा जो माने मैथ रे वीक अछंती, तो से माने मोर मैथ रो चैप्टर वाइज कंप्लीट वीडियो देखि परिबे। तो परसेंटेज हे गला, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा एमिति सीरियल वाइज सब वीडियो देखि परिबे। तो केमिति सब वीडियो देखिबे ना, यूट्यूब सर्च करेंगे ओडिशा स्टडी सेंटर, तो जो सब्सक्राइब लिखाई तार साइड रे जॉइन लिखाई, तो जॉइन बटन रे क्लिक करेंगे तापर एमती पेज आसव। तो ये लिखाई सिल्वर प्लान 89 पर मंथ। तो ये जॉइन रे क्लिक करके आप पेमेंट करदे, तापर ये सब वीडियो खुले जीव, आपने सब वीडियो देखिपर। तो आपण मैंने ये सब वीडियो देखिपर, ना प्लेलिस्ट सेक्शन को जब ये लिखाई मैथ 0 to Hero Batch, तो ये क्लिक करके सब वीडियो देखिपर। तो आपण मैंने सब मैथ वीडियो देखु, मुझे ग्यारंटी दूसरी आपण मान मैथ बहुत स्ट्रंग हो, जहाँफल आपने परीक्षा भल मार्क आनीपरिवे। 6 नंबर कौन रही, व्हिच एसिड इज कमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड इज रिलेटेड टू ए ग्रुप कॉल्ड कार्बोजाइलिक एसिड। तो क्वेश्चन कौन पचारी ना कौन एसिड को कमनली कहुए एसिटिक एसिड एवं एटा रिलेटेड गोटे ग्रुप सहित तो, जहाँ को कहा जाए कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक अच्छे, तो यहाँ साइंस उपर क्वेश्चन रही, तो ये जीके साइंस क्वेश्चन मिसिक रही। ओके,
तो छह नंबर आंसर कौन है ना इथानोइक एसिड ऑप्शन बी ये राइट आंसर रहइबो जार फार्मूला होची CH3COOH ओके तापर कौन रही व्हिच ग्लैंड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन तो कौन ग्लैंड बा कौन ग्रंथि सिक्रेट करी थाई ग्रोथ हार्मोन सात नंबर आंसर कौन है पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कह जाए मास्टर ग्लैंड मध्य कह जाए मन रखु मास्टर ग्लैंड ओके तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करी थाई पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड मध्य कह जाए ग्लैंड रो उड़िया होची ग्रंथी तापर होची रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वाज स्टार्टेड इन डेस तो जो रही रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम केते मसीह रे आरंभ होइथिला आंसर होई जीवो 1995 तार एग्जैक्ट डेट होची अप्रैल 1 ओके तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 अप्रैल 1 रे स्टार्ट होइथिला ओके तापरे द न्यूज पेपर केसरी वाज पब्लिश्ड बाय हुम तो जो न्यूज पेपर रही केसरी एटा कहा द्वारा पब्लिश होइथिला के कोई परिबो नौ नंबर आंसर कौन है ना बाल गंगाधर तिलक तो केसरी न्यूज पेपर बाल गंगाधर तिलक द्वारा पब्लिश होता जो मैंने वीडियो को लाइक करना फटाफट लाइक करूँ आ सब सांग सहित सेयर कर दिंतु आ समस्त चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं आम 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत पाखे रही है बहुत जल्दी आम 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर ठीक अच्छे रही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन इन द डैश एज टाइफू तो कहारो ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम होची टाइफू किए कोई परिबो जापान है जीवो ठीक अच्छे जापान रो ट्रॉपिकल साइक्लोन रो नाम होची टाइफू ओके हु इन कंटेंप्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एड्रेस्ड इट विथ ए न्यू वर्ड ड्रिफ्टिंग कमिटी ठीक अच्छे तो किए ड्राफ्टिंग कमिटी को अवमानना करी गोटे न्यू वर्ड कही ड्रिफ्टिंग कमिटी ठीक अच्छे 11 नंबर आंसर कौन है नाजिरुद्दीन अहमद ऑप्शन बी एट राइट आंसर रहइबो ओके नाजिरुद्दीन अहमद ड्राफ्टिंग कमिटी को अवमानना करी गोटे न्यू वर्ड ड्रिफ्टिंग कमिटी से संबोधित करथिले ठीक अच्छे तापर रही व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मास एवं वेलोसिटी रो प्रोडक्ट को कौन कह जाए 12 नंबर आंसर है जो इंपल्स ताको हम इंपल्स कही परिबा बा मोमेंटम मध्ये कही परिबा किछ प्रॉब्लम नाही ठीक अछि मोमेंटम ठीक अछि तो मास एंड वेलोसिटी रो प्रोडक्ट को हम एटी ऑप्शन रे रही छि इंपल्स इंपल्स कही परिबा यदि इंपल्स नथिबो मोमेंटम भी मारी परिबा ठीक अछि द वर्ड रेड इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट्स ठीक अछि तो क्वेश्चन ल कोन पचारी छि ना रेड वर्ड कोन खेल सहित रिलेटेड 13 नंबर आंसर कौन है कि कबाडी ऑप्शन सी राइट आंसर ठीक अच्छे रेड माने कौन रेड माने सस्पेंशन करवा जन को सस्पेंशन करवा ओके तो कबाडी खेल रे रेड वर्ड यूज होता है ओके हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो भारत संविधान रे चीफ आर्किटेक्ट किए थे आंसर है जो बी आर अंबेडकर ऑप्शन नंबर ए टी राइट आंसर रहइबो तो भारत संविधान रे चीफ आर्किटेक्ट किए थे ना बी आर अंबेडकर तापरे व्हिच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली तो क्वेश्चन कौन पचारी छि व्हिच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली तो इंडियन पार्लियामेंट रे कौन हाउस तो लोक मान द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट ही थांती ठीक अच्छे तो 15 नंबर आंसर कौन हो लोकसभा हम ए रिसेंट इलेक्शन गला ठीक अच्छे तो ये लोकसभा राइट आंसर रहइबो तो लोक मान द्वारा डायरेक्टली इंडियन पार्लियामेंट रे लोकसभा इलेक्ट ही थांती ठीक अच्छे व्हिच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली आंसर हम ये लोकसभा ओके तो लोकसभा मेंबर मानकर कार्यकाल केते वर्ष टर्म होची 5 वर्ष 5 वर्ष को थरे इलेक्शन हेतै ओके आ लोकसभा रे मेंबर हबा पई हेले मिनिमम एज केते दरकार हेतै मिनिमम एज 25 वर्ष दरकार हेतै ओके तो ए दुटा पॉइंट मन रखंतु तापर होईची
इन 1929 फुल स्वराज वाज एडॉप्टेड एज ए टारगेट इन डे इन द डे सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस। तो क्वेश्चन कौन पचारी छि ना जो 1929 रे फुल स्वराज टा एक्सेप्ट हे थिला तो कौन सेशन रे एक्सेप्ट हे थिला ठीक अछि के कोई परबो 16 नंबर एटा लाहौर सेशन हो ऑप्शन ए एठी राइट आंसर रहइबो ठीक अछि। नेक्स्ट 17 नंबर कौन रही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। तो क्वेश्चन कौन पचार 1784 रे बंगाल रे एशियाटिक सोसाइटी रो फॉर्मेशन किए करी आंसर कौन है सर विलियम जोन्स ऑप्शन बी एटी राइट आंसर रही। तो 1784 रे बंगाल रे एशियाटिक सोसाइटी रो फॉर्मेशन करी थिले सर विलियम जोन्स। तापर रही बुदापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर। तो बुदापेस्ट कौन नदी कूल अवस्थित पचार आंसर हो डनुबे ऑप्शन नंबर ए एटी राइट आंसर रहइबो बुदापेस्ट डनुबे नदी कूल अवस्थित। तो क्वेश्चन देखते पूरा भितर क्वेश्चन आसूची ठीक अच्छे तो आपण मानक क्वेश्चन प्राक्टिस करने पड़ो। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज लॉर्ड महावीर नेशनल पार्क सिचुएटेड। अच्छा से पचार इंडिया रे कौन स्टेट रे बा कौन राज्य रे लॉर्ड महावीर नेशनल पार्क रही है 19 नंबर आंसर हो गोवा ठीक अच्छे गोवा रे रही लॉर्ड महावीर नेशनल पार्क आपण माने जदि केबे गोवा जाउछन्ते ताले नियति भाबे लॉर्ड महावीर नेशनल पार्क बुले के आसीबे। इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन द पीरियडिक टेबल हु कैन अरेंज द एलिमेंट्स। तो पीरियडिक टेबल रे एटॉमिक मास रो इनक्रीजिंग ऑर्डर अनुसार एलिमेंट को किए अरेंज करथिले के कोई परिबो 20 नंबर आंसर हो जीवो ऑप्शन बी दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव ठीक अच्छे ऑप्शन बी एटी राइट आंसर रहइबो। पीरियडिक टेबल रे एटॉमिक मास रो इनक्रीजिंग इनक्रीजिंग ऑर्डर अनुसार एलिमेंट को किए अरेंज करथिले ना मेंडेलीव ओके। तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द सी काउ और डोगोंग। तो क्वेश्चन कौन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड निम्नलिखित मध्य कौनटा मिलिथाय सी काउ और डोगोंग ठीक अच्छे। तो सी काउ तो बुझी पार्जे आम समुद्र गाई बाकी डुगोंग मीनिंग कौन आपण मैंने कमेंट बक्स में कमेंट करके जनइबे ठीक अच्छे। तो 21 नंबर आंसर कौन हो गुल्फ ऑफ मैनर ऑप्शन बी एटी राइट आंसर रहइबो। तो टिके टिके टॉप लेवल क्वेश्चन रेलवे आसुची ठीक अच्छे। तापर कौन रही रेनफॉल अकर्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु और द बिगिनिंग ऑफ विंटर ड्यू टू डैश रीजन। तो शीतर आरंभ रे जो तमिलनाडु रो कोस्टल एरिया रे वृष्टिपात हो तो सीटा क्या द्वारा होता है आंसर हो नॉर्थ ईस्टर्न मनसून नॉर्थ ईस्टर्न मौसुमी वायु द्वारा होता है ओके। तापर रही व्हेयर आर द नागार्जुनी कैव्स लोकेटेड। नागार्जुनी कैव कौटार रही 23 नंबर आंसर कौन हो किए कही पार क्वेश्चन पचार व्हेयर आर द नागार्जुनी कैव्स लोकेटेड। नागार्जुनी कैव कौट रही आंध्र प्रदेश आसाम उड़ीसा बिहार राइट आंसर टी कौन हो। तो 23 नंबर आंसर हो बिहार ठीक अच्छे ऑप्शन डी एट राइट आंसर रहइबो ओके। कैब रोडिया कौन कैब रोडिया हो गुंफा गुंफा ठीक अच्छे। तापर जीवा नेक्स्ट 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जिम्नास्टिक्स। अच्छा तो जिम्नास्टिक्स सहित रिलेटेड किए पचार 24 नंबर आंसर कौन हो कि दीपा कर्मकर ओके। साइना नेहवाल होती कौन खेल सहित रिलेटेड ना इंडियन बैडमिंटन प्लेयर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ठीक अच्छे। तो पी भी सिंधु ये भी होती इंडियन बैडमिंटन प्लेयर किंतु मिताली राज होती हमारो इंडियन क्रिकेटर ओके इंडियन क्रिकेटर। तो से कैप्टन थिले वुमेन्स क्रिकेट टीम रे
2004 रु 22 ओके। तो आपण माने सब मने रखंतु को प्लेयर को खेल सहित रिलेटेड ता उपरे आपण मानको क्वेश्चन एग्जाम रे देखिया पे मिलिबो ठीक अछि। तो पूर्व वर्ष रे जों टाइप रे क्वेश्चन आसी छि आपण मानको सेही टाइप रे क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करिया पे पड़िबो। तापर होई छि हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समय रे इंडिया रे वाइसराय किए थिले आंसर इज लॉर्ड इरविन। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केबे थिला 1930 रे ओके। तापर डैश इज रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव पाखरु जुडिशियरी को कौन आर्टिकल सेपरेट करी थाई आंसर जो आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 हो राइट आंसर। आर्टिकल 50 कौन करी थाई ना एग्जीक्यूटिव पाखरु जुडिशियरी को सेपरेशन करी थाई ओके। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट द स्तूप ऑफ द ग्रेट सांची वाज कंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन ल कोन पचारी छी द वर्ल्ड हेरिटेज साइट द स्तूप ऑफ द ग्रेट सांची वाज कंस्ट्रक्टेड। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रही छी सांची ठारे ठीक अछि तो सेटा किए तयारी करथिले 27 नंबर आंसर कोन हिजबो ना अशोक ऑप्शन बी एटी राइट आंसर रही। तापर रही छी व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। तो जेते बेले मेटल टा ऑक्सीजन सहित कंबाइन हबो सेते बेले कोन हेथाई मेटल ऑक्साइड हबो एजी क्वेश्चन रही छी मेटल टा ऑक्सीजन सहित कंबाइन हेले मेटल ऑक्साइड फॉर्म हबो ओके। तो आपण मानकु रेलवे रे चाकरी पाया पय हेले जीके सहित साइंस भी स्ट्रांग करिया पय पड़िबो ठीक अछि। व्हाट इज द क्वालिटी दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो क्वेश्चन कौन पचारी ना गोटे कंडक्टर रे इलेक्ट्रॉन रो फ्लो को जो प्रिभेन्ट करने कौन क्वालिटी रही थाई 29 आंसर कौन हो ना रेजिस्टेंस हम ऑप्शन सी एट राइट आंसर। रेजिस्टेंस रो यूनिट जदि पचारे कौन हो कि ओम हम ठीक अच्छे। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटिंग ए स्टेट गवर्नर इन इंडिया। तो स्टेट रे गवर्नर हाँपी हेले मिनिमम एज के दरकार होता है आगुरी आपण मैं बहुत थर कही क्वेश्चन एग्जाम आसी ओके 35 हम देखु प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एवं गवर्नर हाँपी मिनिमम बयस के दरकार होता है मिनिमम एज 35 वर्ष ओके। तो ये गवर्नर पचार प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी सेम मन रखु। Which of the following works on the basis of electromagnetic induction? तो क्वेश्चन कौन पचारी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिस रे किए काम करुछि जेनरेटर हम ऑप्शन ए एठी राइट आंसर रहइबो ठीक अछि। तो जेनरेटर कौन एनर्जी को कन्वर्ट करी थाई जेनरेटर कौन करी थाई ना मेकानिकल टू इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करी थाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करी थाई ठीक अछि। तो जहाँ द्वारा कि आम इलेक्ट्रिसिटी पाउछ ओके। तापर कौन रही छि हु एज द सक्सेसर टू लॉर्ड वाभेल एज द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो क्वेश्चन कौन पचारी छि ना ब्रिटिश इंडिया रे जो वाइसराय थिले लॉर्ड वाभेल तांकर सक्सेसर किए सक्सेसर माने उत्तराधिकारी लॉर्ड वाभेल को उत्तराधिकारी किए थिले आंसर इज कौन लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन डी एठी राइट आंसर रहइबो। साउथ अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा साउथ अमेरिका रो कौनटा हूँ लार्जेस्ट कंट्री पचारि पॉपुलेशन वाइज ओके 33 नंबर आंसर कौन हो कि ब्राजिल हम ऑप्शन बी एट राइट आंसर रही है ठीक अच्छे। तो साउथ अमेरिकार पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री ब्राजिल हो। इन द सेकेंड राउंड टेबल कन्फरेन्स हेल्ड इन 1931 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स रिप्रेजेंट कांग्रेस। तो 1931 जो सेकेंड राउंड टेबल कन्फरेन्स होता तो से कौ फ्रीडम फाइटर रिप्रेजेंट होते कांग्रेस ओके आंसर हो महात्मा गांधी ऑप्शन ए एठी राइट आंसर रहइबो।
तापरे फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस बोट बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन ल कोन पचारी छि ना फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस बोट बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड। तो जो रही छि व्हीट एवं राइस जोंटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किना जाय थाय, ठीक अछि, तो ताको कोन कहा जाय। 35 आंसर कोन हिजो कि सेफ स्टोर्स, ताको बफर स्टॉक मध्ये कहि परबा। तो एटा टिके टॉप लेवल क्वेश्चन रही छि, तो आपण मानको एमे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया पय पड़िबो। पार्ट वी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, तो भारतीय संविधान रे पार्ट वी का सहित रिलेटेड, पार्ट वी रे कोन रही छि, यूनियन गवर्नमेंट रही छि, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक अछि। ड्यूरिंग द साइक्लोनिक स्टॉर्म abnormal rise in sea level is known as dash। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म समय रे abnormal जो sea level रो rise ही था, माने बॉडी थाई, तो कौन कहा जाए। आंसर है जो स्टॉर्म सर्ज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहइबो, ठीक अछि। स्टॉर्म माने कौन, झड़, ठीक अछि, ओके। आउ इट इज सर्ज माने कौन, सर्ज माने होची तरंग, तरंग, ओके। तापरे व्हाट इज द आर्यभट्टिया बुक अबाउट, तो जो रही छि आर्यभट्टिया बुक, तो एथिरे का विषय मेंशन करा जाय छि, मेडिसिन, ग्रामर, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होबो, ठीक अछि, ऑप्शन डी एट राइट आंसर रहइबो। एस्ट्रोनॉमी रे उड़िया होछि गणित ज्योतिष, ठीक अछि, गणित ज्योतिष, ठीक अछि, ज्योतिष। तापर रही द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर किए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक अच्छे, लोकसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर किए ना स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक अच्छे, मैंने सभापति तो किए करी थाई लोकसभा स्पीकर। तापर व्हिच रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स मोर एनर्जी, तो कौन रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म अधिक एनर्जी प्रोवाइड करी थाई। आंसर है जो कौन, एरोबिक रेस्पिरेशन, बताकु न्यूमेटिक रेस्पिरेशन कोई परबे, एची एठी अछि एनोरोबिक, एटा मारिबे नी एरोबिक होबो, ठीक अछि। तो टोटल 45 टा क्वेश्चन रहि छि, ठीक अछि, आ जहां भी करंट अफेयर क्वेश्चन थिला मु ताकु आनी नै, काहे ना करंट अफेयर क्वेश्चन आसीबो नी, ठीक अछि, तो केवल जीके और साइंस रो क्वेश्चन आनी छि, ए क्वेश्चन रिपीट हे पारे, ठीक अछि। इंडिया हेज बिन सेलिब्रेटिंग डेज एज नेशनल कंज्यूमर डे, जामो इंडिया रे नेशनल कंज्यूमर डे केबे पालन करा जाय, आंसर जो डिसेंबर 24, तो प्रत्येक वर्ष डिसेंबर 24 तारीख को नेशनल कंज्यूमर डे पालन करा जाय। तो इंपोर्टेंट डेज ऊपर क्वेश्चन आसुची, तो आपण मानको सब इंपोर्टेंट डेज मन रखिया पे पड़िबो, तो केवल इंपोर्टेंट डेज ऊपर मोर गुटे सेपरेट वीडियो रही छि, जदि आपण माने देखिया पई चाहौछंती YouTube रे सर्च करिवे इंपोर्टेंट डेज बाय ओडिशा स्टडी सेंटर, तो आपण मानको मोर से वीडियो मिल जइबो, आपण माने से वीडियो देखि के सब मन रखि परिबे। Who was appointed as the constitutional advisor, legal advisor of the constituent assembly, तो संविधान सभा रे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भाबे की अपॉइंट हेतिले, एडवाइजर कथा पचारी छि, बी एन राव हबो, ऑप्शन ए एठी राइट आंसर रहइबो। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड, अच्छा, तो ओरिजिनली बा आरंभ रे भारतर संविधान रे केतुटी आर्टिकल रहितिले पचारी छि, आर्टिकल 395 टा थिला, ठीक अछि, यदि पार्ट पचारे पार्ट थिला 22 टा, आउ शेड्यूल कतटा थिला, शेड्यूल थिला 8 टा, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगेज मीट्स पटना नियर सोनपुर, तो गंगेज रो कौन ट्रिब्यूटरी माने उपनदी सोनपुर ठारे पटना को मीट करूछि, 44 नंबर आंसर कौन हो कि गंडक, ऑप्शन ए एट राइट आंसर रहइबो। गंगेज रो ट्रिब्यूटरी बा उपनदी हो जी गंडक, तो ई गंडक सोनपुर ठारे पटना को मीट करूछि। लास्ट क्वेश्चन, व्हेयर डिड गौतम बुद्ध रिसीव महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध केउठारे महापरिनिर्वाण रिसीव करथिले, आंसर जो कुशीनगर, कुशीनगर होची यूपी रे, ठीक अछि, ऑप्शन ए एट राइट आंसर रहइबो। तो गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण कौन ठारे रिसीव करथिले, कुशीनगर यूपी रे, ठीक अछि,
तो ये 45 टी क्वेश्चन आरपीएफ कनेस्टेबल एग्जाम आसी थिला ठीक अच्छे। तो ये क्वेश्चन गुड़िक आपण मानू इजी लगला ना मॉडरेट ना हार्ड लगला तो आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनइबे ठीक अच्छे। आ आपण मैंने 45 टी क्वेश्चन रु केतोटी ठीक कले सेटा मध्ये कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनइबे ओके। तो आज मोर भिडियोटी आपण मानक बहुत हेल्पफुल होइथिबो भिडियोटी भल लगी गोटे लाइक करेंगे सांग सेयार करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें।